हे गाइस, क्या हाल है भाइयों। तो फिर से एक नए वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं बर्न फिनिक्स का रिव्यू। इसको फायरब्लेज भी कहते हैं और बर्न फिनिक्स भी कह सकते हैं, दोनों ही इसके नाम है। अगर गूगल पे सर्च करोगे तो दोनों नाम से ही ये सर्च होता है। तो ठीक है, इसको इसका जो एनिमे का वर्जन है उसमें नाम कुछ अलग है और टकराटोमी का नाम कुछ अलग है, तो इसलिए दो नाम है। तो भाई कमेंट में ये मत कहना इसका नाम ये है इसका वो है। ठीक है, तो ये है हमारा बर्न फिनिक्स और आज इसका रिव्यू करेंगे गाइस और देखेंगे भाई कितना स्ट्रांग है ये। बर्स्ट रीमेक है गाइस ये, तो ओरिजिनल से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा मुझे जहां तक पता है। तो ये इसकी लेयर है, काफी मस्ती लगती है भाई, देखो कितनी शानदार है। और ये भाई कितना बढ़िया लगता है यार। तो देखो भाई, जो ओरिजिनल बेब्लेड होता है उनके बोल्ट कुछ अलग ही प्रकार के होते हैं। चाइनीज बोल्ट होते हैं उसमें चार वो होते हैं, चार पेच वाला होता है वो, ऐसे कह सकते हो। इसमें होते हैं तीन वाले और बिना पेच वाले भी होते हैं कुछ। ये यहाँ पे जो है, तो ये ओरिजिनल की पहचान है। डिस्क में ओरिजिनल की पहचान ज्यादा कर नहीं पाते, बट कुछ कुछ है मार्क्स उसमें भी कर सकते हैं। ये डिस्क है येल डिस्क और काफी सुंदर सी लगती है भाई, काफी एरोडायनामिक सा सीन है इसका। देखो ये कितनी सही सी हो जाती है, ये एरोडायनामिक सीन हो जाता है इसका। उसके बाद ये वेज ड्राइवर है हमारे पास जो कि ठीक ठीक है। ये हमें स्क्रू ट्राइडेंट में मिलता है और काफी बेब्लेड्स में मिलता है अलग अलग में, और पूरा मेटल टिप है इसका। अब इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कितना बढ़िया कर पाता है ये मेटल टिप के साथ। ठीक है, स्टेडियम हमारा ये है। ओके गाइस, तो सबसे पहले वेट देख लेते हैं इसका। ये चचा हो जा शुरू। ठीक है गाइस, इसका वेट देख लेते हैं भाई। अभी ये जीरो क्यों नहीं दिखा रहा, क्लियर हो जा भाई। हाँ, अभी पहले इसका लेयर का देखते हैं। 19.65 ग्राम्स ऐसा कुछ है। फिर डिस्क का देख लेते हैं, इसका है 21.1 ग्राम और इसका भी कुछ ज़्यादा ही होगा क्योंकि मेटल है इसमें भी। हाँ, 7 ग्राम, वैसे नॉर्मली 6 होता है, इनका 7 है क्योंकि इसमें मेटल है। ठीक है गाइस, तो वेट में कुछ ज़्यादा घाटा नहीं है, मतलब ठीक ठीक है, 47 वेट नॉर्मल हो जाता है गाइस लगभग। तो चलो भाई, अभी इसका वो देखते हैं स्पिन टाइम, कितनी देर तक ये स्पिन कर सकता है। ओके, हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा अभी। एक सेकंड का वो दे देंगे हम इसको ताकि रिकवर हो जाए। ओके, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। अरे अरे भाई भाई भाई, ये क्या हो रहा है इसके मुझे लगा था ये नॉर्मली चलेगा भाई, इधर सिस्टम हैक कर रहा है। अरे भाई नहीं, बैलेंस ही नहीं भाई का। ना 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 ना, एक बार और ट्राई करेंगे इस। और अभी थोड़ा सा स्टेबल लॉन्च करके देखते हैं स्टेबल में कुछ अलग होगा क्या। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। नहीं वही है भाई, बैलेंस वाला सिस्टम आता ही है। ओके गाइस, 39 सेकंड इसका स्पिन टाइम है। तो ठीक है भाई, अभी कुछ बेब्लेड से फाइट करके देखते हैं इसकी। आ जाते हैं ड्रोंजर पे, ड्रोंजर से फाइट करते हैं पहले। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। अरे बैलेंस नहीं है भाई इसका, इसलिए ये अटैक टाइप बन रहा है, स्टैमिना टाइप होना चाहिए इसको अरे भाई ड्रोंजर हरा देगा इसको। नहीं नहीं नहीं, ड्रोंजर से जीत जाएगा। ठीक है गाइस, ड्रोंजर से जीत गया है। ओके, अभी करते हैं किससे करें। ओके गाइस, ओरिजिनल से करके देखते हैं इसकी। देखो भाई, दोनों की लुक काफी काफी हद तक बिल्कुल सेम है और काफी अच्छे भी लगते हैं। मेटल टिप दोनों में ही है और इसका मेटल टिप ज्यादा अच्छा है। ये भाई इसका और इसका कोई मुकाबला नहीं है अगर सच बताऊं तो मैं। कोई भी मुकाबला नहीं है गाइस, अगर मैं इसको हैंड स्पिन भी कर दूंगा तो भी नहीं जीत पाएगा। अरे भाई फेंक के तो मारा एक बार तो बढ़िया वाला, लेकिन नहीं जीत पाया गाइस। ओके, अभी मैं हैंड स्पिन करूंगा इसको और इसको हम लॉन्चर से स्पिन करेंगे। ओके, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओ ये क्या हुआ ओके गाइस, तो ये हमारे स्टेडियम का नया गिमिक है। अगर ये स्टेडियम के यहाँ पे टच हो गया, यहाँ इस वाली लेयर से ऊपर चला गया तो इसकी स्पीड में इतना बूस्ट होता है कि वो खुद की स्पीड ही नहीं संभाल पाता। तो ये हमारे स्टेडियम का नया गिमिक है गाइस। एक बार और कर लेते हैं हैंड स्पिन में फाइट। नहीं जीत सकता गाइस, एक बार और कर लेते हैं हैंड स्पिन। मेरे को बढ़िया वाली फाइट चाहिए हैंड स्पिन में। आप ठीक है। ना 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 ना, इतना भी कमजोर नहीं है कि हैंड स्पिन में जीत जाए, तो ये तो ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट बेब्लेड पे आ जाते हैं, एक्सकैलिबर पे। ये एक्सकैलिबर तोते उड़ाएगा भाई, एक्सकैलिबर बर्स्ट करेगा।
बोला था मैंने बर्स्ट करेगा भाई साहब। और स्टेडियम का एक सबसे बड़ा डेंजरस चीज वो है कि अगर इसकी टक्कर यहाँ हो गई इन बिटवीन फाइटर बैटल तो तोते उड़ जाएंगे भाई उस ब्लेड के। एक्सकेलियस जीतता है भाई, बढ़िया, जीतने वाले को इनसाइट रख देते हैं। बारी है डेथ साइथर की, कहाँ गया, बारी है डेथ साइथर की। ओके इन 3-2-1 हो जाए, बच गया भाई डेथ साइथर, बच गया बाहर वो भाई, उसके टक्कर हो गई थी लेकिन बच गया भाई। ओ स्टेबल हो गया यार बर्न फिनिक्स। तो गाइस जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 3000 लाइक्स का, ठीक है 3000 काफ़ी है। ओके दो बेबलेट से हारा, दो से जीता है, ये इसका अभी तक का स्कोर बोर्ड। और अभी करते हैं ट्राइडेंट से, ये स्क्रू ट्राइडेंट 3-2-1 हो जाए शुरू। सेम है भाई दोनों ड्राइवर, अनस्टेबल है ये बट ठीक है जो भी है, देखते हैं स्क्रू ट्राइडेंट जीत पाएगा या फिर बर्न फिनिक्स बाजी मार लेगा। मेरे ख्याल से बर्न फिनिक्स जीत जाएगा आराम से। या तो गाइस थर्ड बेब्लेड से जीत गया। नेक्स्ट हमारा है ये तो उड़ाएगा एस ड्रैगन वर्सेस, ओए बच गया बच गया बच गया बच गया, बर्न फिनिक्स बच गया बच गया। ठीक है गाइस हार गया भाई एस ड्रैगन हार गया, रुको एक बार और कर लेते हैं। ओके इन 3-2-1 हो जाए, मेरे को लगता है बर्न फिनिक्स स्ट्रॉन्ग है भाई, इससे तो स्ट्रॉन्ग है। ओ भाई जीत गया नाइस। ओके बारी है रैग्नारोक की, ये वाला बेब्लेड मस्त लगता है मेरे को, ये जीत जाएगा। कम ऑन, अरे भाई अरे एक बात नोटिस करी, इससे ऊपर कोई बेब्लेड गया नहीं है और जो गया है वो बाहर ही गया है फिर बर्स्ट होके। भाई रैग्नारोक भी हरा दिया यार इसने तो, कमाल कर दिया यार, अभी तक लगभग सारे बेब्लेड हरा दिए हैं। एक्सकेलियस से करते हैं भाई, अभी एक्सकेलियस तोते उड़ाएगा, एक्सकेलियस हारने वालों में से नहीं है। अरे कम ऑन एक्सकेलियस बर्स्ट, ये बर्स्ट 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 बर्स्ट, अरे यार एक्सकेलियस तो बाहर ही गोते खाता रहता है। कम ऑन ना, तो भाई लगभग सबसे ही जीता है ये बेब्लेड, इन दो से दोबारा कर लेते हैं। ये इस बार मेरे को लगता है ये एक्सकेलियस भी हार जाएगा, तो काफ़ी अनस्टेबल होने की बावजूद काफ़ी बेब्लेड से जीत चुका है हमारा बर्न फिनिक्स रीमेक। सिर्फ और सिर्फ अपने ओरिजिनल वर्जन से नहीं जीत सकता, कोई चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं है ओरिजिनल से जीतने का। ओ ओ मेरा स्टेडियम भी तोड़ दिया भाई इन्होंने तो, अरे नाइस। तो ये है हमारे स्टेडियम का डेंजरस सीन, और इसी के साथ जो ओरिजिनल वाला है वो जीतता ही है हमेशा की तरह ही, ओरिजिनल वाला ओरिजिनल ही रहता है गाइस। तो ये बेब्लेड जीत गया, लेकिन ये बेब्लेड लगभग सबको हरा दिया इसने। इसमें टर्बो सीरीज भी ली है मैंने, एवोल्यूशन सीरीज भी ली है मैंने, और नॉर्मल सीरीज भी ली है मैंने, लगभग सब ले लिए भाई, लेकिन जीत गया लगभग फिर भी सबसे। तो बढ़िया बेब्लेड है, अनस्टेबल है लेकिन फिर भी काम कर जाता है। तो बताओ यार कैसा लगा ये बेब्लेड हमारा बर्न फिनिक्स, काफ़ी मस्त है ये। ओके तो बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर कर देना।